स्वागत है आपको YouTube चैनल पे रमेश पे। रिलायंस कैपिटल को लेकर बात करने वाले, रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है अगर आप देखते हैं तो उसको लेकर और एक अपडेट आ चुका है। तो बहुत सारे से इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने देखा रहेगा कि रिलायंस कैपिटल के जो शेयर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट में वो अभी गायब हो चुका है। सिर्फ वो मंडे को ही ट्रेड होता है इसलिए डीमेट अकाउंट से आपका वो हट चुका है। मंडे को अगर आप वो अकाउंट ओपन करते हैं, जो भी आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट यूज़ करते हैं, अगर आप ओपन करते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएगा शेयर्स। फिलहाल स्टॉक के प्राइस में गिरावट ज़बरदस्त बनता हुआ दिख रहा है। 13.75 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड हो रहा है, 13.75 पैसा, तो 13.75 पैसे के आसपास जो है ये देख सकते हैं, 13.75 के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड हो रहा है। और अभी भी शेयर में लगता है कि और गिरावट बन सकता है क्योंकि रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेके अभी तक कुछ भी क्लियर अपडेट नहीं है और उसके डेट जो है इंसॉल्वेंसी का उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जा रहा है दोस्तों। बहुत दिन से, बहुत महीने से जो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है और उसको लेके फिलहाल एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से, छोटा सा वीडियो के माध्यम से, वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में रेटिंग दीजिए। भारी प्रोडक्ट एंड डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम लोगों ने इसका लिंक दे के रखा है। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें दोस्तों। रिलायंस कैपिटल का शेयर जो है 6 महीने के अंदर अगर आप देखते हैं तो लगभग 34.99% का गिरावट दिखा है, जो कि 35% बोल सकते हैं, 35% बोल सकते हैं जहाँ पे गिरावट 6 महीने के अंदर बनता हुआ दिखा है। वही बात करते हैं वन मंथ के अंदर स्टॉक में 21.88% का गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो भारी गिरावट रिलायंस कैपिटल के शेयर में बनता हुआ दिख रहा है, जो कि अगर देखेंगे तो कुछ दिन पहले स्टॉक में जो अपर सर्किट बनता हुआ दिखा था। अभी रिलायंस कैपिटल का जो शेयर है उसको लेके हम लोग या फिर जो इसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेके आगे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में, रिलायंस कैपिटल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं जानकारी। अगर आपके पास रिलायंस कैपिटल का शेयर तो ये बहुत ही, या फिर अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए, अभी आप एक कंपनी का अगर देखेंगे, रिलायंस कैपिटल की कंपनी जो है, कंपनी का अगर देखेंगे तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सेल्स ग्रोथ जो है रिलायंस कैपिटल का बहुत ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1.94% जो है 5 ईयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिला है रिलायंस कैपिटल के सेल्स ग्रोथ में। प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 1.51% का ही सिर्फ होल्डिंग से, ज़्यादातर होल्डिंग से जो है दोस्तों बाकी इनके पास है। एंड लाइबिलिटीज़ कंपनी का देखेंगे तो लगभग 3,835 करोड़ का लाइबिलिटीज है रिलायंस कैपिटल के ऊपर। डेफ्टर डेज हैव इंक्रीज, जो कि पहले 20.6 था वो अभी बढ़ के 35.3 डेज हो चुका है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है अगर देखेंगे तो लास्ट 3 साल में लगभग माइनस में अभी देखने को मिल रहा है, जो कि 40.5% के आसपास है। एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है रिलायंस कैपिटल के कंपनी को लेके, तो अभी चलिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं रिलायंस कैपिटल के जो अपडेट है या फिर बोल सकते हैं रिलायंस कैपिटल के जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेके क्या इन्फॉर्मेशन है। तो रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है दोस्तों उसको लेके बहुत सारे अपडेट्स हम लोग को पहले भी देखने को मिला था और ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया था। अभी रिलायंस कैपिटल का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेके जो अपडेट था वो ये था कि कोई चाहे, कोई भी इन्वेस्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे तो रिलायंस कैपिटल को फुल्ली, जो भी रिलायंस कैपिटल और उसके जो भी सब्सिडरीज है 7 या 8 सब्सिडरीज है उसके साथ उसको खरीद सकता है या फिर सब्सिडरीज भी खरीद सकता है। तो उसका जो डेडलाइन है, जो एक प्रोसेस होता है कोई भी इंसॉल्वेंसी को कंप्लीट करने के लिए, लेंडर्स के पास एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे उसको कंप्लीट किया जाता है, उसको अभी तक जो है 2 बार एक्सटेंड कर चुका है और अभी यहाँ पे और एक अपडेट है जिसके चलते इसको फिर से जो है एक बार एक्सटेंड किया जा रहा है रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है अभी का जो अपडेट है, कंप्लीटेशन डेडलाइन ऑफ रिलायंस कैपिटल रेजोल्यूशन प्रोसेस इज टू बी एक्सटेंडेड बाई 90 डेज टू February 1, 2020। करंट डेडलाइन एंड्स ऑन November 1। तो अभी का जो डेडलाइन है जिसको एक्सटेंड किया गया था रिलायंस कैपिटल की इंसॉल्वेंसी को, उसका डेडलाइन था दोस्तों November 1 को और उसको बढ़ा के अभी कर दिया है February 2023 तक। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिर से 90 डेज का जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 90 डेज जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है उसके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को लेके। तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जितना ज़्यादा यहाँ पे डिले हो रहा है शेयर में उतना ही ज़्यादा गिरावट हम लोगों को बनता हुआ दिख रहा है। द एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल सेट टू अप्रोच NCLT मुंबई टू सीक 90 डेज एक्सटेंशन। तो NCLT के पास जो NCLT मुंबई में जो है अप्रोच किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर के ओर से, जिसको 90 डेज एक्सटेंशन या फिर 90 डेज बढ़ाया जाए इंसॉल्वेंसी को कंप्लीट करने के लिए। दिस विल बी द 3rd एक्सटेंशन एज द टाइम लाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड ट्वाइस इन द पास्ट। तो अभी तक अगर देखेंगे तो ये 3rd एक्सटेंशन है जिसको बढ़ाया जा रहा है, इसके पहले 2 बार भी एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंशन किया गया था रिलायंस कैपिटल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। एज पर द इंसॉल्वेंसी
एंड बैंकरप्सी कोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एडमिनिस्टर हैड टू ओरिजिनली क्लोज द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिलायंस कैपिटल विद इन 180 डेज बाय 3rd June. तो जो एक प्रोसेस रहता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कोई भी कंपनी का जब इंसॉल्वेंसी में जाता है तो उसमें जो एक प्रोसेस रहता है दोस्तों, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड बैंकरप्सी कोड जो है उसमें से देखेंगे जो रूल्स रहता है उसमें 180 डेज के अंदर, मतलब अगर देखेंगे कोई भी कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में प्रोसेस में जाता है तो उसको जो है 180 डेज के अंदर क्लोज करना रहता है। और रिलायंस कैपिटल का देखेंगे तो वो था 3rd June को, 3rd June को वो क्लोज होना चाहिए था इंसॉल्वेंसी, जो भी प्रोसेस है रिलायंस कैपिटल का उसको क्लोज नहीं किया गया है। कुछ भी इसके अगर देखेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स भी था उसके चलते, अर्लियर द लेंडर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल हैड गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज टू द बिडर्स ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ बाइंडिंग बिड्स अलोंग विथ एन EMD ऑफ 75 करोड़ बाई October 31st. तो इसके पहले जो है उसको एक्सटेंड करके 30 डेज किया गया था बिडर्स के, या फिर बिडर जो है रिलायंस कैपिटल का जो भी खरीदना चाहते रिलायंस कैपिटल के फिर उसके सब्सिडरीज को, उसके लिए जो है 30 डेज के अंदर जो है बताया गया था कि नाम जमा कर सकते हैं। द बिडर्स वेयर नॉट हैप्पी विद द 30 डेज एक्सटेंशन, तो बिडर्स में देखेंगे तो बहुत सारे कंपनीज का नाम था वो फिलहाल 30 डेज का जो एक्सटेंशन था, फिलहाल अगर देखें 30 डेज का जो एक्सटेंशन था उसमें खुश नहीं था, जिसके चलते उसको और भी बढ़ा दिया गया था 2 से 4 महीने तक उन लोगों ने बताया था उसको बढ़ाने। एंड यहाँ पर देख सकते कि रिलायंस कैपिटल हैड रिसीव 14 नॉन बाइंडिंग बिड्स फॉर इट्स मल्टीपल बिजनेसेस, तो रिलायंस कैपिटल अगर देखेंगे तो 14 ऐसे नॉन बाइंडिंग बिड्स मिले हैं उसके जो मल्टीपल बिजनेसेस है, क्योंकि रिलायंस कैपिटल के बहुत सारे सब्सिडरीज है। 6 कंपनीज हैड सबमिटेड बिड्स फॉर देयर एंटायर कंपनी, तो ऐसे 6 कंपनी है जो रिलायंस कैपिटल के फुल्ली कंपनी खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, एंड बाकी जो बिडर्स है वो मल्टीपल सब्सिडरीज या फिर कोई भी एक सब्सिडरीज खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। अभी टोरेंट पावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोरेंट पावर भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, टोरेंट पावर, इंडस्ट्रियल बैंक, OHT, कोइज्मा को माफ कीजिए कोज्मिया फाइनेंशियल, ओथम इन्वेस्टमेंट, बी राइट रियल इस्टेट हैव सबमिटेड बिड्स इन द रेंज ऑफ 4000 करोड़ टू 4500 करोड़ फॉर रिलायंस कैपिटल एंटायर एसेट्स। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो रिलायंस कैपिटल के पूरा जो इनका एसेट्स है वो खरीदने के लिए 4000 करोड़ से लेकर 4500 करोड़ का ऑफर दिया है फॉर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। रिलायंस के जो और एक सब्सिडरी है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, उसमें देख सकते हैं जहाँ पे पीरामल फाइनेंस ने 3600 करोड़ का ऑफर दिया है, एंड जूरिच इंश्योरेंस ने जो है 3700 करोड़ का ऑफर दिया है, और जो एक थर्ड बीडर जो है एडवेंट, उसके और 7000 करोड़ का जो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए एक ऑफर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज पीरामल एंड जूरिस आर नाउ कंसिडरिंग ए जॉइंट बीट फॉर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो अभी ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि हो सकता है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए पीरामल और जूरिस दोनों मिलके उसके लिए बीट करें। एज पर द एक्चुअल वैल्यूएशन अगर हम लोग देखेंगे रिलायंस जनरल के जो एक्चुअल वैल्यूएशन है कंपनी का वो है 9450 करोड़ का, 9450 करोड़ का जो है एक्चुअल वैल्यूएशन है, और यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है अमाउंट वो बहुत ही कम बोल सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट है रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को लेके, और फिलहाल बोल सकते कि जब तक यहाँ पे कुछ भी अपडेट्स रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी को लेकर नहीं आता है कि कौन इसको खरीदेगा रिलायंस कैपिटल को या रिलायंस कैपिटल के सब्सिडरीज को, तब तक शेयर के बारे में बहुत ही मुश्किल है उसमें एक अच्छा खासा तेजी दिखना। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है, रिलायंस कैपिटल में क्या चल रहा है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।